वेलकम टू माई बडोगी ट्यूटोरियल। तो आज हम बडोगी ट्यूटोरियल में टेबल के बारे में पढ़ेंगे, एचटीएमएल क्रिएट और टेबल। ठीक है, क्रिएट आपने देखा होगा टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेबल में आप उसका टाइटल हो जाता है, ठीक है, रो हो जाती है, कॉलम हो जाता है। ठीक है, टेबल में हम हमने आप मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी चीज किसी अगर कोई किसी आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कृपया है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका आइकन बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी नई नई चीज़ें पढ़ाऊँ, जो भी नई नई चीज़ें आपको समझाऊँ, आपके सबसे पहले आपको शो हो। ठीक है, आज हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। बताया जाता है कि जब जब टेबल टेबल के ज़रिए सबसे पहले वेबसाइट तैयार की जाती थी। ठीक है, अब तो डिफ टैग के ज़रिए तैयार की जाती है, वो मैं आगे बता दूंगा होता क्या वो। ठीक है, टेबल के ज़रिए आजकल हमारे पास जो एचटीएमएल जो है उसकी वेबसाइट तैयार की जाती है। ठीक है, टेबल की जो साइट्स होती हैं वो बिल्कुल रूल्स रूल्स वाइज चलती हैं। ठीक है, टेबल के ज़रिए हम कोई भी डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, उसका इनबॉक्स हम अपना आराम से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिज़ाइन डिज़ाइन ने अपना 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 एचटीएमएल की टैग्स ऐड करते रहे, वो टेबल जो है वहाँ वहाँ से हटता गया। ठीक है, अब टेबल की जगह हम डिफ टैग का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपने कहीं भी देखा होगा किसी किसी में टेबल का इस्तेमाल है, लेकिन किसी किसी में डिफ टैग का इस्तेमाल है। ठीक है, ज़्यादातर लोग इस डिफ टैग का इस्तेमाल कम ही करते हैं, क्योंकि डिफ टैग जो है बूटस्ट्रैप से क्रिएट की होती जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे टेबल के बारे में। ठीक है, टेबल के बारे में आए पढ़ाने से पहले हम लिखेंगे एचटीएमएल ओपन एचटीएमएल क्लोज। ठीक है, इसी के बीच में हम लिखेंगे हेडर और हेडर इज क्लोज, बॉडी तो बॉडी इज क्लोज। ठीक है, तो एचटीएमएल में हम देखेंगे सबसे पहले हेड। ठीक है, हेड में हम क्या लगाते हैं, टाइटल। ठीक है, टाइटल में हम लिखेंगे हम टेबल इन एचटीएमएल। ठीक है, टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, बॉडी में हम एक बार स्टाइल दे देते हैं, हम बॉडी में हम बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड इज इक्वल टू ब्लू कर देते हैं हम। ठीक है, ठीक है, कलर हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू रेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी हम करेंगे वो इसमें आ जाएगा। टेबल इज अ टेबल इज एच टी टेबल इन एच टी एम। ठीक है, यहाँ से एक ही चीज़ आएगी, या फिर ये या फिर ये। ठीक है, इसको हम रीलोड करते हैं, आया नहीं कलर, तो हम क्या करेंगे इसमें बी जी कलर देंगे। क्या देंगे, बी जी कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है ब्लू। ठीक है, सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसमें आ जाएंगे, इसको रीलोड करेंगे, बैकग्राउंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ब्लू हो गया। कलर हम दे देते हैं साथ में, कलर इज इक्वल टू रेड, यानी कि हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो क्या कौन सी कलर आ जाएगा, रेड का कलर। हम इसको लिखते हैं, लेकिन हमारा ब्लैक है। टेक्स कलर हम लिख सकते हैं, क्या पता टेक्स कलर आया नहीं, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ठीक है, वैसे ये कलर तो रेड, मतलब इसका जो लिखा था नाम वो तो रेड हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस बैकग्राउंड को हटा देना है। ये तो सिर्फ बता रहा था कि बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू रखा है, ताकि हम इसे एक कलर के थ्रू हम कर सकें, क्योंकि हमने बैकग्राउंड लिखा था पहले। सबसे पहले क्यों नहीं आया था वो, क्योंकि बैकग्राउंड जो है अगर हम स्टाइल में देंगे, अगर स्टाइल में करेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, हम आगे उसको CSS के ज़रिए बढ़ाएंगे। आप CSS की मेरी बड़ोगे ट्यूटोरियल में सर्च करके दे सकते हैं आप उसकी पूरी, मैंने CSS को बिल्कुल अच्छी तरह उसमें समझा रखा है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ इसमें से। ठीक है, ये हटा हट गया। ठीक है, अब हम हमने क्या बोला है, हम टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टेबल, ठीक है, टेबल को हम
मैं तो कहता हूँ एक आसान चीज़ें में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं टेबल को सिर्फ टेबल के थ्रू लिखता हूँ, मैं अभी वो चीज़ HTML CSS आपने लिखना ज़रूरी है, मैं बिना उसके लिख रहा हूँ क्योंकि बिना उसके भी ये शो हो जाता है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे सिंपल लिख रहा हूँ। वैसे HTML हेड और टाइटल ज़रूर लिखना है, उसके बिना बॉडी भी लिखना है, उसके बिना कोई भी प्रोग्राम इसमें रन नहीं कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमने ऐसे टेबल लिया, टेबल में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमारे पास टी आर आ गया, ठीक है, और टी आर क्लोज हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक टेबल रो आ गई हमारे पास, ठीक है। एक क्या आ गया हमारे पास, टेबल रो आ गई। अब हम दूसरा लिखेंगे टी डी और क्लोज करेंगे टी डी से, ठीक है। टेबल टेबल रो हो गया, टेबल डाटा हो गया, इसका मतलब होता है टेबल डेटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास बॉर्डर, ठीक है, जिसमें हम 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास विथ, विथ हम कितना ले सकते हैं, 56 ले सकते हैं, ठीक है। हाइट हम ले सकते हैं कितना, 50, इसमें 50 पिक्सल ले सकते हैं हम इसमें परसेंटेज, ठीक है। इसमें अलाइन होता है, अलाइन यानी कि मतलब होता है कि इस टेबल को या लेफ्ट में लाना चाहते हो या राइट में लाना चाहते हो या सेंटर में लाना चाहते हो, तो मैं सोचता हूँ मैं सेंटर में ला सकता हूँ, ठीक है। दूसरा होता है इसमें सेल स्पेसिंग, ठीक है, सेल स्पेसिंग। ये सेल स्पेसिंग क्या काम करता है, ये बताता है कि ये वैल्यू कहाँ किस जगह फिक्स हुए, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको ये चीज़ सेल स्पेसिंग के बारे में, अभी आप, मैं पहले लिख लेता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। एक होता है सेल पेंडिंग, ठीक है, सेल पेंडिंग, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें इसमें होती है टेबल में, ठीक है। अब हम टेबल को शो कैसे करते हैं, ठीक है, ये चीज़ सारी याद रखना, मैं आगे आगे एक एक धीरे करके एक एक समझाता रहूँगा, ठीक है, ठीक है। टेबल में सबसे पहले हमने टेबल बनाया है, इसको रिलोड करते हैं, टेबल की कोई वैल्यू शो नहीं हो रहा है, हो रही है कोई टेबल की वैल्यू शो, टाइटल दे देते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। अगर हम इसमें नाम लिख दें, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट रो, ठीक है, देखो फर्स्ट रो आ गई, ठीक है। इसी हिसाब से हम इसको दूसरे हिसाब से लिखते हैं, कॉपी करके हम इसको दूसरी रो, हमने ए है सेकंड रो, ये देखो इसके ठीक सामने आएगी, ये नीचे नहीं आएगी, इसके ठीक सामने आएगी, ठीक है, देखो इसके ठीक सामने आएगी। अब हमें कैसे पता है कि ये टेबल बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट स्टार्ट करेंगे बॉर्डर का, ठीक है। वैसे हम सेमी कॉर्नर में रखना ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसमें पता चल जाता है कि हमने सेमी कॉलन में, देखो आ गए ना, एक पहली रो आ गई, एक दूसरी रो आ गई, ठीक है। वैसे हम फिर हम एक और टेबल बना देते हैं इसकी, एक को अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो को बनाने के लिए अगर हमें नीचे चाहिए तो क्या करेंगे हम, ये था कॉलम, सॉरी ये थी रो, ये है कॉलम, ठीक है, एक कॉलम है, दो रो है, नहीं दो कॉलम है, एक रो है, ठीक है, एक, ठीक है ना, एक रो है और दो कॉलम है इसमें, ठीक है। अब हमें दूसरी रो चाहिए, तो दूसरी रो चाहिए तो हमने क्या करें, टी आर फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टी आर फिर स्टार्ट करा और इसको हमने कॉपी कर दिया, इसको हमने कॉपी कर दिया और हमने यहाँ उतार दिया इसको, और हमने इसको लिखा थर्ड थर्ड कॉलम, कॉलम लिखना है, रो नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि ये कॉलम है, ठीक है, थर्ड फोर्थ रो, फोर्थ कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, रो नहीं है, रो ऊपर वाली होती है, इसको हमने लिख दिया कॉलन, इसमें भी हमने लिख दिया कॉलम, ठीक है। रीलोड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है। सेकंड एट्रीब्यूट्स क्या है इसमें, इसकी विड्थ, कितनी हम विड्थ इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था 50 पिक्सल, ठीक है, सेव करते हैं हम, इसको रीलोड करेंगे,
तो देखो हमारे पास 50 पिक्सल बढ़ गई है, विड्थ बढ़ी है, हाइट नहीं बढ़ी, विड्थ बढ़ी है। तो हम अब इसमें हाइट के बारे में बात करेंगे, HEIGHT हाइट, इसको भी हम 50 पिक्सल ले लेते हैं। तो देखोगे ये कवर कर देगा सारे एरिया को, ठीक है। 50 पिक्सल हो गया, ये 50 पिक्सल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा चीज़ क्या था, हमारे पास दूसरा चीज़ था एलन। एलन क्या होता है, एलन क्या होता है, अलाइन, अलाइन एलिजन क्या होता है। इसमें हमें चाहिए कि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। सेव करेंगे हम, इसको रिलोड करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप इसमें टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि एक ही चीज़ दे सकते हैं, टैक्स या एलन। टैक्स एलेन, ठीक है। टैक्स एलेन हमारे पास सेंटर में है, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं और ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है सेल स्पेसिंग। आवाज़ हमारी धीरे करें, बराबर करके इसको हमने लिखा है 1 पिक्सल ले लेते हैं हम, ठीक है। 1 पिक्सल ले, सेव करेंगे हम। अभी देखो इसमें क्या असर हुआ, कुछ असर हुआ, कुछ नहीं असर हुआ। अगर हम इसमें 10 कर दें तो, 10 करें, सेव करेंगे तो देखो क्या असर होता है। आपने देखा है कि इसकी जो बॉर्डर है वो मतलब खुल गए हैं, बॉर्डर जो है इसके खुल गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें 30 करते हैं तो उसकी बॉर्डर जो कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी, देखो उसकी बॉर्डर की कैपेसिटी बढ़ गई ना, ठीक है। तो अब हम, ये होता है हमारे पास सेल स्पेसिंग, यानी कि उसकी जो बॉर्डर की साइज है वो चौड़ा कर देगा, ठीक है। एक होता है सेल पैडिंग, 1 पिक्सल, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, रिलोड करेंगे, कुछ असर हुआ नहीं हुआ, आप पता चलेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, पैडिंग में ये वाली हिस्से जो है 1 होगा, ये 1 है तो बाकी सब ये ज़्यादा हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बढ़ा दें तो देखो उसकी पिक्सल बढ़ जाएगी, ये देखो इसमें इतना है। अब देखो इसको रिलोड करेंगे तो इसकी पिक्सल इतनी बढ़ गई है, ठीक है। ये इसका काम करता है। अगर हम इसको 30 लिख दे तो आप देख सकते हैं ये, तो ये इस तरह बीच में आ गया है, ठीक है। आप इसको 50 हम लिख सकते हैं तो सेव करेंगे हम। इसको ऐसे किया तो ये चौड़े होते रहेंगे, यानी कि ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 और ये भी 50, ये अभी 50 नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह ही हमारे पास सेल स्पेडिंग की और सेल पेडिंग की बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ठीक है, दूसरा, दूसरी चीज़ इसमें होता है, एक होता है TH। आपने देखा होगा एक हेडर होता है, क्योंकि हेड के बिना कुछ वैल्यू होनी नहीं चाहिए दी वैसे। तो हेड में हम लिख सकते हैं रेड, ठीक है, रेड। और इस हेड में हम लिखेंगे TH, यानी कि टेबल हेड, ठीक है। TH टेबल हेड हमने लिख दिया तो हम इसमें लिखेंगे ब्लू। और आप देखो कि इसमें क्या होगा, जो ये मतलब डार्क नहीं है वो डार्क होगा, क्योंकि वो हेडर है, ये हेडर, हेडर्स, हेडर है, हेडर, हेडर हमेशा डार्क रहते हैं। रिलोड करेंगे वो, देखो इसका डार्क हो गया, ठीक है, ये डार्क हो गया ना, ठीक है। ये चीज़ जो है हमारे पास टेबल के ज़रिए हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अगली अगले ट्यूटोरियल में आपको ये बताऊंगा, आपको ये समझ आया होगा, मुझे पूरी यकीन है कि आपको ये समझ आया होगा। और अगर आप इसमें से कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे से इसका कमेंट कीजिए कि इसमें क्या नहीं समझ आया आपको। और दूसरी चीज़ है, अगर दूसरी चीज़ ये है कि समझने से पहले आपको ये रिवाइज़ करना होगा, जो मैंने अभी बनाया है वो आपको 2 बार या 3 बार रिपीट करना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एक होमवर्क लिख करके इसकी एक टेबल बनाएं, ठीक है। टेबल बनाएं, यहाँ पर एक में होगा नाम हो, जिसमें हेडर जो होगा हमारे पास नेम हो, ठीक है। एक एक रो में हेडर में नेम हो, ठीक है। और दूजे में आप इसमें, तो आपको बता देता हूँ, आपने एक होमवर्क कर लेना अगर कर सकते हो तो, बाकी आपकी मर्जी है। एक नाम, नाम, एज और होम, ठीक है। नाम, एज और होम, कि बंदा कहाँ रहता है। नाम लिखना है आपने, इसके नीचे
एज इसकी नीचे लिखनी है, होम में कहाँ रहता है ये वो लिखना है, ठीक है। ये कम से कम 3-4 बनाकर आप मुझे कृपया करके सेंड कीजिए उसकी कोडिंग, ताकि मैं देखकर मैं आपको सही बता सकूँ कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरी बात है और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ भेजिए। और आपको और अच्छा लगे तो कृपया करके इसको कमेंट भी करिए, कुछ समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।